नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज हिंदी में। मैं कुलदीप कुमार आज आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। बेबी प्रोडक्ट बनाने वाली अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन अब सवालों के घेरे में है। जॉनसन एंड जॉनसन ने अमेरिका के बाजार से बेबी पाउडर की करीब 33,000 बोतलों को वापस मंगाया है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक इस बेबी पाउडर की जाँच कराई गई। इस दौरान इस पाउडर में एस्बेस्टस की मात्रा अधिक पाई गई। एस्बेस्टस क्या होता है? एस्बेस्टस एक कार्सिनोजेनिक रसायन होता है जिसकी वजह से इंसानों में कैंसर होने का खतरा पैदा होता है। ऐसा पहली बार है जब अमेरिकी कंपनी अपने प्रोडक्ट को वापस बाजार से मंगा रही है। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने इस दौरान सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि एक ऑनलाइन रिटेलर से एक सिंगल बोतल खरीदी गई, जिसके बाद कंपनी ने स्वेच्छा से 33,000 बोतल के लॉट को वापस मंगा लिया। इस खबर के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के शेयर करीब 6% तक लुढ़क कर $127 के भाव बंद हुए। बताते चले कि भारत समेत कई देशों में अमेरिकी फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के प्रोडक्ट की एक खास पहचान है। हालांकि कुछ प्रोडक्ट की वजह से अमेरिकी कंपनी को जुर्माना भी उठाना पड़ा है। हाल ही में एक युवक ने प्रोडक्ट पर सवाल खड़े किए थे और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद कोर्ट में सुनवाई के दौरान जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को दोषी पाया गया और कोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी पर 8 बिलियन का जुर्माना भी लगाया था। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी भारत में भी कई बार विवादों में रही है। अप्रैल महीने में भी इस कंपनी के बेबी शैम्पू पर सवाल खड़े हुए थे और वहीं मई में दिल्ली हाई कोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को 67 मरीजों को 25-25 लाख रुपए देने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने जुर्माना कंपनी पर दोषपूर्ण कूल्हा प्रत्यारोपण के उपकरण मुहैया कराने के लिए लगाया था। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबीसी न्यूज हिंदी। एनबीसी के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।